हेलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा हूँ। नया रिक्रूटमेंट निकल के आया है, जैसे कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा किसके बारे में बात होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, NPCIL में आपकी वैकेंसीज आउट हुई हैं, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से वैकेंसीज हैं आपकी, ठीक है। डिटेल में डिस्कस करेंगे। महारत्न PSU है और न्यूक्लियर की तरफ से वैकेंसीज हैं तो सैलरी काफ़ी अच्छी होने वाली है। पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दे रहा हूँ, जिससे कि जो भी इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट हैं वही वीडियो कंटिन्यू करें आगे और बच्चे कुछ रिमेनिंग स्टूडेंट वीडियो छोड़ के जा सके और वीडियो को लाइक करके जाए, ठीक है। तो देखो दोस्तों, अगर आपने BE बीटेक कर रखे तो आप इसमें एलिजिबल हो जाते हो। डिप्लोमा और ITI वाले स्टूडेंट इसमें एलिजिबल नहीं है। तो आप सभी भाई बंधुओं से रिक्वेस्ट है कि भाई आप वीडियो छोड़ के जा सकते हो और इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, ठीक है। अब मैं पर्टिकुलर ब्रांचेस की बात करूं कि कौन सी ब्रांच इसमें एलिजिबल होने वाली है, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। देखो मैकेनिकल के लिए तो बंपर वैकेंसीज हैं, तो आप तो इसमें इंटरेस्टेड होना चाहिए आपको। मैकेनिकल बाद में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, सिविल इंजीनियरिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी वैकेंसीज हैं। ये सारी वैकेंसीज होने वाली हैं। टोटल आपकी 300 प्लस अप्रॉक्सीमेटली 325 वैकेंसीज आउट हुई हैं, ठीक है। तो चलो अब डिटेल में देखते हैं क्या वैकेंसीज है। फ्रेशर्स के लिए एलिजिबल है इसमें, कोई भी इसमें आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, ठीक है। तो ये सारी सैलरी हो रही है। सैलरी भी बता देता हूँ, मतलब स्टार्टिंग करने से पहले देखो, सैलरी आपकी अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख प्लस होने वाली है। तो बेहतरीन रिक्रूटमेंट है। डिटेल से बात करेंगे किस बेसिस पर सिलेक्शन हुआ, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उससे पहले दोस्त, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मेरे को कितनी बार बोलना पड़ेगा आप बताओ। क्योंकि देखो दोस्त, मैं स्टैटिस्टिक्स देख रहा था अभी, उसमें से 50-60% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। देखो यार, बार बार मत कहलवाओ, मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा, दो दो लोग इस पे मेहनत कर रहे हैं चैनल पे, तो आप कर सकते हो। चलो अब मैं बताता हूँ कौन है इसमें। देखो यार, अगर आपके पास में गेट स्कोर कार्ड है 21, 22, 23 तो ही आप इसमें एलिजिबल होने वाले हो। रिमेनिंग स्टूडेंट वीडियो छोड़ के जा सकते हो, स्टार्टिंग में कहना भूल गया था मैं। तो अगर आपके पास में स्कोर कार्ड है 21, 22, 23 का तो ही आप इसमें एलिजिबल होने वाले हो। मैं ये भी बता दूंगा ओवरऑल कितने आपके मार्क्स होने चाहिए, जो आगे इसमें आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो, क्योंकि 500 रुपये की बात है, ठीक है। तो चलो अभी डिटेल से बताता हूँ। चलो मैं आपको PDF में जाके दिखा देता हूँ कि क्या क्या उसमें मेंशन कर रखा है। वैसे मेरे को पूरा पता है, लेकिन फिर भी PDF में जाके आपको पूरा बता देता हूँ डिटेल में, ठीक है। तो चलो PDF की तरफ चल रहे हैं, वहाँ पे बताता हूँ मैं आपको। पहले क्राइटेरिया बता रहे हैं, देखो BE बीटेक होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, ये सारी ब्रांचेज होनी चाहिए। गेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए 21, 22, 23, इन तीनों साल में से कोई एक का उत्तर एलिजिबल हो जाते हो। एज लिमिट आपकी इसमें 26 साल है जनरल और EWS के लिए, ठीक है। और 500 रुपये आपके एप्लीकेशन फॉर्म है, अभी और जाके PDF में बता देता हूँ, ठीक है। तो चलो PDF देख लो। तो दोस्तों यही है PDF जो मैं आपको बोल रहा था, यही वाली PDF है आपकी। यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख रखा है, देखो मैं सबसे पहले ऊपर हिंदी में दे रखा है, नीचे इंग्लिश में। तो पहले मैं इंग्लिश की साइड में चलूँगा, तो हिंदी तो क्या ही समझ में आएगी, ठीक है। तो नीचे जाओगे आप 15-16 पेज से तो आपको दिख जाएगा। देखो यहाँ लिख रखा है आपका डिटेल नोटिफिकेशन, रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनी 2023 थ्रू गेट 21, 22 और 23, तो 3 साल का होने वाला है। और देखो आपकी जो लास्ट डेट है इसको एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, वो 28/4/2023 यानी कि 28 अप्रैल स्टार्ट आपके हो रहे हैं 11 अप्रैल से, ठीक है। तो आपको हार्डली टाइम दिया जा रहा है आपको 17 दिन का, तो 17 दिन के अंदर आप भर देना, ठीक है। फिर उसके बाद में मत पूछना। करंट वैकेंसीज हैं आपकी 315, 10 बैकलॉग हैं, टोटल 325 वैकेंसीज हो जाती हैं। अब मैं ब्रांच वाइज बताऊं तो देखो दोस्त, मैकेनिकल में आपकी जो वैकेंसीज हैं वो हैं 123, केमिकल में जो वैकेंसीज हैं वो 50 वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रिकल में 57 वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में 25 वैकेंसीज हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन में 25 वैकेंसीज हैं, सिविल में 45 हैं। स्टार्टिंग में शायद मैंने आपको CS भी बोल दिया था, लेकिन सिविल की CS की वैकेंसीज नहीं है। 325 वैकेंसीज आपकी इन ब्रांचेज की वैकेंसीज हो जाती हैं, ठीक है। और जो मैंने आपको पहले ही बताया वही है इसमें, BE बीटेक होनी चाहिए, गेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए आपके पास में, और आपकी डेट भी दे रखी है इन्होंने, और एप्लीकेशन फीस 500 रुपये आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। और मैकेनिकल में, मैकेनिकल का आपके पास में स्कोर कार्ड होना चाहिए, वही रिस्पेक्ट अपना होना चाहिए फील्ड का, ठीक है। और इसमें यही मेंशन कर रखा है आपका। और देखो मैं आपको एप्लीकेशन फीस की बात कर देता हूँ। देखो पहले सैलरी देख लो, इसमें मंथली आपको स्टाइपेंड मिलेगा, जो आपको बीटेक के दौरान जो आप ट्रेनिंग करोगे उस दौरान आपको मिलेंगे 55,000 रुपये, ठीक है। ये 1 साल का पैसा है जो आपको ट्रेनिंग के दौरान मिलेगा। उसके बाद में आपका जो बेसिक पे है वो स्टार्ट हो जाएगा 56,100 का, लेवल 10 का साइंटिफिक ऑफिसर का, यानी कि आपके हाथ में 1 लाख प्लस प्लस सैलरी आने वाली है। बहुत सारे इसमें इंश्योरेंस वगैरह बहुत सारी चीज़ होती हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर पूरा टोटली ऑन द बेसिस ऑफ योर गेट, प्लस आपके गेट के साथ साथ आपका जो इंटरव्यू होगा वो होगा 1:12 के रेशियो में, ठीक है। तो ये आपका वेटेज रख रखा है इन्होंने। और अब नीचे शायद एप्लीकेशन फीस है, देखो ये आपको मिनिमम मार्क्स जो आपके हैं वो आपको 70% लाने पड़ेंगे। नो वेटेज विल बी गिवन टू द गेट स्कोर इन द फाइनल सिलेक्शन,
ठीक है, फाइनल सिलेक्शन विल बी डन ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ पर्सनल इंटरव्यू। देखो पहले आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ योर गेट कार्ड। गेट कार्ड के बाद में जो आपका इंटरव्यू होगा वो टोटली डिपेंड होगा जो फाइनल सिलेक्शन वो गेट इंटरव्यू पे मतलब गेट के स्कोर कार्ड पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं है। अनडिजर्व्ड आपकी 70% लाना अनिवार्य है आपके इंटरव्यू के दौरान, और फिर आपको 60 जो रिमेनिंग कैटेगरीज है, ठीक है, इंटरव्यू वगैरह सब कुछ यहाँ दे रखा है। ₹500 देखो एप्लीकेशन फीस होने वाली है, ठीक है, वो आप देख लेना। जनरल EWS और OBC कैंडिडेट को देनी है, SC ST को कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई थिंक आपको इन्फॉर्मेशन पता चल चुकी है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फीस लिख रखी है, आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है ₹500 का जनरल EWS और OBC को, ठीक है। तो आई थिंक आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है दोस्त, यही है। अगर देखो आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, वैसे क्या ही दिक्कत आएगी, मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी आपको, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, धमाकेदार वीडियो में। टेलीग्राम चैनल और इस चैनल दोनों को सब्सक्राइब कर लेना, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ आपसे, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।